तो महुआ मामले में एक किरदार ऐसा भी है जिसके खुलासे के बाद सियासी भूचाल आ गया। जाने माने इन कारोबारी ने जो खुलासा किया उससे महुआ की मुश्किल और बढ़ गई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और मुख्य किरदार की बात बाकी है और वो नाम है 42 साल के बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी। हीरा नंदानी ग्रुप के रियल स्टेट टाइकून निरंजन हीरा नंदानी के बेटे हैं दर्शन हीरा नंदानी। फोर्ब्स के मुताबिक निरंजन हीरा नंदानी की मौजूदा संपत्ति करीब 12,500 करोड़ रुपए है। हीरा नंदानी ग्रुप एक बड़ा रियल स्टेट ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैं इस वक्त मुंबई में उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां पर हीरा नंदानी का एक बड़ा साम्राज्य माना जाता है। ये तस्वीरें मैं दिखाऊं कि ये जो बिल्डिंगें हैं करीब 250 एकड़ में ऐसी इमारतें यहां पर बनाई गई हैं और यहीं से हीरा नंदानी समूह की पहचान मानी जाती है और इसी हीरा नंदानी समूह के CEO हैं दर्शन हीरा नंदानी। दर्शन हीरा नंदानी का नाम महुआ के साथ अचानक देश सुन रहा है, लेकिन कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात साल 2017 में बंगाल बिजनेस समिट के दौरान हुई थी और इसके बाद दर्शन हीरा नंदानी और महुआ अच्छे दोस्त बन गए थे। दर्शन हीरा नंदानी के हलफनामे के मुताबिक, जब मैं महुआ से मिला था उस वक्त वो सिर्फ एक विधायक थी। मैं जब उनसे मिला तो उनके व्यक्तित्व और तौर तरीकों से प्रभावित हुआ, खास तौर पर बिजनेस और अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी समझ का मैं कायल हो गया था। उस मुलाकात के बाद हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई। लेकिन अब दर्शन हीरा नंदानी ने महुआ पर आरोप लगाया है कि मोदी को बदनाम करने के लिए TMC सांसद ने गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि महुआ ने महंगे सामान से लेकर दिल्ली में आवंटित आधिकारिक बंगले की रिनोवेशन से लेकर यात्रा से जुड़े खर्च के लिए उन्होंने पैसे मांगे। ये दो दिन पहले तक कह रहे थे ये महाशय कि जो भी चार्जेज इन पर जो एक BJP के सांसद ने लगाया वो बेसलेस है। अब कल इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई या प्राप्त करवाई गई, इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत सा जिसमें अलंकार बहुत है वैसे चिट्ठी लिखी। ABP न्यूज संवाददाता निधिश्री झा दिल्ली में महुआ के सरकारी बंगले तक पहुंची। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये वो सरकारी बंगला है जिस बंगले को लेकर ये आरोप लगा है। सबसे पहले आप बंगले की तस्वीर देखें, 9B टेलीग्राफ लेन। ये बंगला जब महुआ मोइत्रा सांसद बनी तो उनको ये सरकारी बंगला अलॉट हुआ। कई तरह के सनसनीखेज आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे हैं जिनकी जांचबीन जो है वो चल रही है और उसमें से एक आरोप ये भी है कि इस सरकारी बंगले में जो खर्च हुए वो खर्च के पैसे भी यानी वो फेवर भी दर्शन हीरा नंदानी के तरफ से उसके पैसे जो है वो दिए जाते रहे हैं। हालांकि घर के अंदर कोई हो भी तो वो गेट खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आरोपों की जांचबीन चल रही है और अगर ये आरोप बढ़ते चले जाएंगे जिस तरीके से आरोप बढ़ रहे हैं महुआ मोइत्रा मुश्किलों में ज्यादा घिर सकती है। जबकि दूसरी तरफ महुआ मित्रा ने दर्शन हीरा नंदानी के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने जिस तरह की बातें सादे कागज पर लिखी हैं वो इस तरह से हैं कि सिर पर बंदूक रखकर लिखवाई गई हो। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।